الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا مأوانا وملجأنا سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود السلام بابا بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين سبحان الله بعد حمد و ثنا حضرات سامعین کرام اج دی اے محفل پاک اسال ثواب دے سلسلہ دے اندر انعقاد پذیر ہے بھائی محمد طاہر دے والد گرامی مہر محمد بشیر صاحب دے اسال ثواب 40واں دے موقع تے منعقد ہوئی برادری دے بزرگ لوگ بیٹھے نے اللہ تعالی سب دا آنا قبول و منظور فرمائے کہہ دیو آمین چونکہ میں ایصال ثواب تے عرض کراں گا کہ ساڈا ایمان ہے ساڈا عقیدہ ہے کہ بندہ اللہ دی توحید تے محبوب دی رسالت تے ایمان رکھ دے ہو یا دنیا تو جائے تے بعد والے اس واسطے کلام پڑھن کوئی صدقہ کرن کچھ بھی کرن تے اللہ تعالیٰ اپنے فضل دے نال اونوں ثواب پہنچاندا ہے اے دی خوشی اونوں قبر دے اندر ہوندی عالم برزخ دے اندر اسی اونوں ویکھ نہیں سکدے ہاں کیونکہ برزخ دا معنی ہے پردہ
इंसान जदों कबर विच पहुंच जाता है तो एक पर्दा है, वेख नहीं सकते ज़ाहरी तौर पर, लेकिन अल्लाह पाक मुसलमान नू ईमान वाले नू सवाब पहुंचांदा है। और इसे वास्ते ईमान वालियां दे बाद वाले बेटे भाई रिश्तेदार ओदे वास्ते दुआवां भी करदे ने, कलाम भी पढ़दे ने, जो हो सकता है करके ओदे वास्ते सवाब पहुंचांदे ने। सुभान अल्लाह। दुआ करो दुनिया तो जावीए ते कोई पिछे हाथ चाण वाला होवे। आमीन। अक्सर लोग कहंदे ने बंदा गरीब है जिहदे कोल पैसे नहीं। सियाणे लोग बैठे ने, क्या जड़ा गरीब मुफलिस होवे जिहदे कोल पैसे नहीं? सियाणे लोगों ने गल कीती, फरमाया गरीब ते मुफलिस होवे कि जड़ा दुनिया तो चला जाए ते पिछे हाथ चकन वाला जेदे वास्ते कोई ना होवे, जेदे वास्ते दुआवां करने वाले होने वो गरीब नहीं, क्योंकि ये पैसा दुनिया ते चाहिदा है, खान पीन वास्ते चाहिदा है, कबर विच नेक अमल ते बाद में सवाब पहुंचने वाली नेकियां जड़ियां ने वो बंदे नूं अमीर कर देंदियां ने। सुभान अल्लाह। इस वास्ते अल्लाह पाक असनु मुसलमान दे घर पैदा कीता है। और मजे की बात है कि उस अकीदे ते सानू पैदा कीता है जड़ा अकीदा नबी दे सहाबा ने दिता है ते मुस्तफा करीम दी आल ने दिता है, महबूबे करीम अलैहिस्सलाम दी उम्मत दे मुफक्किरीन मुहद्दिसीन ने दिता है, अकाबरीन ने दिता है, ताबईन ते सहाबा ने जिस अकीदे ते रहे ने अलहम्दुलिल्लाह सी, उस ते मां सानू फखर करना चाहिदा है। दुनिया ते नेकी कर लईए, रब्बुल आलमीन इहदा अजर आखरत विच अता फरमाएगा। समझ लवो दुनिया ते भी खैरां ने ते आखरत विच भी खैरां ने। सुभान अल्लाह। हजरत जी बकर नाल असी उस अजीम नबी नू मनण वाले आ जिस मेरे महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले आन वाले सारे नबियां नू अल्लाह ने मौजे अता फरमाए ने। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलाम नू कुरान दे अंदर मौजूद है, अल्लाह ने एक डंडा असा अता फरमाया, ओ हजरत मूसा दा मौजा हाथ के दोगरे बान विच पाके ते बा करदे ने बगल तो ते सफेद हो जांदा है, चमकीला हो जांदा है। अल्लाह ने यदे बैजा भी अता फरमाया, अल्लाह ने असा भी अता फरमाया, ए मौजे दे के हजरत मूसा कलीमुल्लाह नू भेजावे। हजरत ईसा रूहुल्लाह नू अल्लाह ने मुर्दियां नू जिंदा करन दा मौजा अता फरमाया वे, नाबीनियां नू अखां देण दा मौजा अता फरमाया वे। रब्बुल आलमीन ने हजरत ईसा अलैहि सलाम नू इल्मे गैब इतना अता फरमाया कि आप दी महफल विच कोई आंदा सी, घर जो कुछ खा के आंदा सी या छोड़ के आंदा सी, हजरत ईसा अलैहि सलाम उहनू भी दस देंदे सन। सुभान अल्लाह। कोड़ वालियां दा कोड़ ठीक करदे सन। इस सब कुछ कुरान दे अंदर मौजूद है। हाफिज़ साहब बैठे ने, कुरान दे अंदर मौजूद है। अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम नू मौजा अता फरमाया, ईसा अलैहि सलाम नू मौजा अता फरमाया, हजरत सालेह अलैहि सलाम नू मौजा नाकतुल्ला उठनी जड़ी है पहाड़ चो निकली है, ये कुरान दे अंदर मौजूद है। अल्लाह ने उन्हां नू मौजा अता फरमाया। सारे नबी अल्लाह दी तरफों मौजे लेके आए ने, जेदा कलमा तू ते मैं पढ़ावे ओ नबी है जड़ा मौजे लेके नहीं, जड़ा खुद अल्लाह दी तरफों मौजा बन के आया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे मेरा नबी लेके आया लेकिन अल्लाह ने अपनी निशानी बनाया, फरमाया महबूबा बाकी मौजे जाहिर करके अपनी नबूवत का इजहार करेंगे, महबूबा तैनू मैं खुद मौजा बना के भेजा है। सुभान अल्लाह। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अल्लाह ने इतने मौजे अता फरमाए ने, किसे दे वास्ते अल्लाह ने हवा नू मुसखर कर दिता। मैं कुरान चो पढ़े लिखे दोस्त बैठे हो, मैं कुरान चो बयान करदा जावां। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दा जिक्र कुरान दे अंदर मौजूद है, दाऊद अलैहिस्सलाम दा जिक्र कुरान दे अंदर मौजूद है। ऐ मैं के ना हाफिज़ साहब दा इहनू अगर मैं मरोणन की कोशिश करा तो बड़ी औखां दे नाल जोर लांदा रवां नहीं होवेगा। मार साहब बैठे ने, अगर इन्हों आखिए अल्लाह इन्हों मजीद सेहत दे, इन्हों आखिए तो इन्होंने भी बड़ी मुश्किल ना मरोड़ना है लेकिन मरोड़ा नहीं जाना। दाऊद कुरान विच मौजूद है, दाऊद अलैहिस्सलाम नू अल्लाह ने यह मौजा ता फरमाया सी, इतना वड्डा सरिया ते इंज करके मरोड़ लैंदे सन। सुभान अल्लाह। यह मौजा सी, अल्लाह ने लोहे नू खालिक कायनात ने मोम कर दिता आपके वास्ते। आप दे पुत्र ने दुआ मंगी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कि या अल्लाह मैनू ए जी बादशाही अता फरमाई, लोग वेखदे रवन
حضرات زیوکار اللہ نے بادشاہی مڑ کے جی عطا فرمائی جن جڑے سن او بھی سلیمان علیہ السلام دے ہاتھ دے اندر سبحان اللہ جن بھی بھوت بھی ہوا بھی ایک تخت سی جویں جہاز اڑدا ہے نا تخت سی اس تخت تے سوار ہوندے سن ہوا نو آواز دیندے سن یاری اے ہوا ہن تیزی نال چل میں جلدی جانا ہے سبحان اللہ جس ویلے آپ دا دل کردا سی سلو چلدے سن جس ویلے دل کردا سی تیزی نال ہوا نو جویں حکم کردے سن ہوا آپ دے تابے سبحان اللہ جن آپ تے دابے سبحان اللہ امام الانبیاء دے غلاموں بلقیس دا تخت سلیمان علیہ السلام نے اکھ جھپکن تو پہلے منگایا امام الانبیاء دے غلاموں سلیمان اورے جڑا میرے مصطفیٰ دا مقتدی ہے جس مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی امامت اندر اقتداد اندر نماز پڑھنے والا نے سلیمان جڑا نماز مصطفیٰ دے پچھے پڑھنے والا نے اللہ نے انہاں دے غلاماں نوں طاقت اتنی عطا فرمائیے کہ آپ فرما دے رہے کہ تخت لے آیا جائے اکھ جھپکن تو پہلے پہلے آصف بن برخیہ تخت لے کے آ گیا جس سلیمان دے غلام دی اتنی شان ہے جڑا مصطفیٰ دا مقتدی ہے میرے مصطفیٰ دی کتنی شان ہوے گی مصطفیٰ دے غلامہ دی کتنی شان ہوے گی سبحان اللہ نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دے حوالے ہوا چرند پرند مزے دی گل بولیاں بھی سمجھدے سن پرندے آ کے گلاں کردے سن سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے او تو پھر رہے ہوندا ہے نا زمین چنگ ماردا ہے وہ حدود جڑا سی پانی تلاش کردا سی جس جگہ تے سلیمان علیہ السلام دا لشکر لینا یہ قرآن وچ حدود دا لفظ موجود ہے حدود دی لفظ آیا ہے تے آپ اس جگہ تے فرماندے سن کہ بھائی چیک کر پانی ہے کہ نہیں او چنج مار کے اپنی نوک دے نال چونچ دے نال مار کے دس دیندا سی اس جگہ تے پانی کتنا دور ہے سبحان اللہ اے طاقتاں اللہ نے اپنے نبی دی وجہ تو عطا فرمائی سن میں بارے دیگر دعا کر رہا اج لوگ کہندے نے نبی نو نہیں پتا سلیمان علیہ السلام دے ہدود نو پتا پانی کتھے نبی دی شان کتنی بڑی سبحان اللہ امام الانبیاء دے غلامو میرے نبی دی کی شان ہے سنو او سب تو اعلی مقام والا او شان والا میرا او سب تو اعلی مقام والا او شان والا میرا نبی اے او ساڈے ورگے نکمیاں نوں نبھاون والا میرا نبی شانے لوگ تشریف فرماو علم والے لوگ بیٹھو توجہ فرمانا جے میں بیان کیتا تہاڈے سامنے رب العالمین نے جنات نو ہوا نو چرند پرند نو حضرت سلیمان علیہ السلام دے حوالے کر دیتا ہن سنو نا میرے محبوب کریم دے حوالے اللہ نے کیڑی کیڑی شے فرمائیے اللہ دا قرآن پہ پیش کرنا تہاڈے سامنے پنجے پارے دندر سورہ جاسیہ دی 13 آیت کریمہ گھر جا کے ذرا ترجمہ پڑھ لینا امام الانبیاء دے غلامو رب العالمین نے فرمایا وسخر لکم ما فی سماوات و ما فی الارض جمیعا منہ اے محبوبا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دے واسطے ہماواں فضاواں نو تیرے ماتحت کر دیتا اے چرند پرند تیرے ماتحت نے چرند پرند تیری بولیاں سمجھدے نے جویں آرڈر کردا میں اویں کردے نے جنات دے کولوں بھاری بھاری کم حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام لیندے نے امام الانبیاء دے غلامو جدوں واری آئی میرے متے تیرے محبوب دی جدا کلمہ تو تے میں پڑھیا وے رب العالمین دا کلام فرماندا ہے میرے رب دا قران کہندا ہے وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض اے سونیا محبوبا جو کچھ زمین دے اندر بنایا ہے جو کچھ اسمان دے اندر بنایا ہے محبوبا سارے دا سارا میں تیرے واسطے مسخر تے تابع بنا دیتا وے محبوبا جدھر آرڈر دے وی زمین دیا چیزاں وی چلدیاں جان گی آسمان دیا چیزاں وی پھردیاں جان گی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ امام الانبیاء دے غلامو ساڑے بچے چلدے نے پھردے نے چھوٹے چھوٹے بچے جڑے نا چھوٹے چھوٹے کھلونے دے نال گڈی دے نال کسی چیز نال کھیڑدے نے تے میرے آقا دا وی تے بچپنا آیا سی نا
हजरत सैयदा हलीमा दे घर जिस वेले दो साल तक आपने दुध नोश फरमाया, आप तरबियत आपकी हो रही सी। हजरत अब्बास आप दे चचा जान गए एक दिन, बड़ा अजीब मंजर वेख्या। कहंदे ने मैं वेख रहा चन्न कदे इंज दौड़दा है, कदे इंज दौड़दा है, कदे इंज जांदा है। आखिरकार वेखते ने आका दी उंगली वल, आका दी उंगली वल देखते ने। पढ़े लिखे भी दोस्त बैठे ने, साइंसदान आते ने बई चंद ते सूरज ओनू हिलाण वास्ते बड़ी ताकत चाहिए, वाकई बड़ी ताकत चाहिए। नबी दी उंगली हिल रही है, जिधर उंगली जाती है चंद उधर जाता है। ग्रामी कदर रात मुस्तफा दी उंगली दे अंदर इतनी ताकत है, चंद रूप फिरांदे ने ते मुस्तफा दे हाथ विच कितनी ताकत होवेगी, मुस्तफा दे बाजू विच कितनी ताकत होवेगी, खुद मुस्तफा दे अंदर कितनी ताकत। सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया दे गुलामो फरमांदे ने मैं इंज वेख रहा चन फिर रहा, मेरे मुस्तफा जिधर इशारा करदे ने उधर ही चन जांदा है। सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने लोगो इस तो पता चलिया खुद मुस्तफा नूर है ते जड़ा अल्लाह ने खिडौना बनाया है जिदे नाल मेरा मुस्तफा खेडदा है वह भी नूर है। तू ते मैं मट्टी तो बनया ना, ते साडे बच्चे भी इन्हां दातां दीआं चीज़ां इस्तेमाल करदे ने। जिहड़ी शायद खिडौना बनदा दात नाल ही बनदा है ना, नूर नाल तां नहीं बनिया ना। इह साडे बच्चे असीं निरे बशर, साडे बच्चे भी खिलौने ओही इस्तेमाल करदे ने। मेरा मुस्तफा भी नूर है, मेरे मुस्तफा दा खिडौना भी नूर है। सुभान अल्लाह। इमाम अल-अंबिया दे गुलाम मेरे महबूबे करीम अलैहिस्सलाम, आसमान वाली चीजा भी मेरे महबूबे करीम अलैहिस्सलाम दे मातहत ने, जमीन वाली चीजा भी मेरे महबूबे करीम अलैहिस्सलाम दे मातहत ने। ताई दसिया दे अरश वाले फरश वाले दीवाने सारे ने, अरश वाले फरश वाले दीवाने सारे तेरे, रब फरमाया महबूबा जमाने सारे तेरे ले, रब फरमाया महबूबा जमाने सारे। रब्बुल आलमीन ने जमीन और आसमान दिया सब चीजा महबूबे करीम अलैहिस्सलाम दे वास्ते मुसखर फरमा दे दिया ने। इमामुल अंबिया दे गुलामो मेरे महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान ते जांदे ने, ओ भी महबूबे करीम अलैहिस्सलाम नु सलाम पेश करने वाले ने। अलेल मजरात बैठे हो इमामुल अंबिया दी जाते पाक जदो मेराज ते गए ने, नबिया ने मुख्तलिफ आसमाना ते सलाम पेश किया है, इस्तकबाल किया है। पता चला ए ओ महबूबे करीम है जिन्हू अल्लाह ने जमीन वालियां वास्ते भी नबी बना के भेजा है, आसमाना वालियां वास्ते भी नबी बना। सुभान अल्लाह। शाने लोग बैठे हो, पत्थर ऐसी शय है ना वट्टा जरा ऐसी शय है, सरफराज इधर जितना प्यार करते रहो जो मर्जी करते रहो ए उत्ते दुध पाते रहो तुसी तार भाई जदों किसी दे हाथ विच आ जाएगा ना उन्हें जदों तुहाडे वल वगाना है, इस पत्थर ने नहीं वेखना कि मेरा साई है, इस मैनू बड़े प्यार किया है दुध पाता रहे मेरे ते। पत्थर पत्थर मुंजमद ऐसी चीज है जेदे विच शऊर है ही नहीं। लेकिन हदीसां दी सब तो वड्डी किताब जेनू सारे मनदे ने, सब मनदे ने जेनू, उस हदीसे पाक दी किताब दे अंदर बाप मौजूद है। इमामुल अंबिया ने जड़े उमरा करके आयो हज करके आयो तवज्जो फरमाना जे, इमामुल अंबिया ने फरमाया गज़ब आपने ओहद पहाड़ वल, आपने जबले ओहद वल इशारा करके फरमाया मेरे सहाबा हाजा जबलुल युहिब्बुना वल हुब्बुहु, ए ओ पत्थर मैं मुस्तफा ए दे नाल प्यार करदा वा, ए मेरे नाल प्यार। सुभान अल्लाह। ए पहाड़ होवे ए पत्थर होवे जड़ा मैं मुस्तफा नाल प्यार कर दवे, मैं मुस्तफा ए दे नाल प्यार कर दवा। हजरत जी वकार पता चला ओ पत्थर जमादात नबातात कोई ऐसी शय है ही नहीं जड़ी रब ने ऐसी बनाई होवे जड़ी मुस्तफा नु ना जानदी होवे। अल्लाह।
मौला अली शेरे खुदा फरमांदे ने इमाम अलंबिया दे नाल जा रहे ने जिवें ऐ मेरे दोस्तों जंगलां दा सिलसिला है दरख्त मौजूद ने पहाड़ मौजूद ने इमाम अलंबिया दे गुलामो मेरे आका अलैहि सलातो सलाम जा रहे ने सियासता दे अंदर हदीसे पाक सही तिरमिज़ी दे अंदर मौजूद है इमाम अलंबिया दे गुलामो जा रहे ने मेरे आका अलैहि सलातो सलाम आका अलैहि सलातो सलाम जा रहे ने आवाज आ रही है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह इमाम अलंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पढ़ रहा है इमाम अलंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर अर्ज करदे ने मौला कायनात अलील मुर्तजा या रसूल अल्लाह कोई जिन भूत ते नहीं जड़ा तुहाडे ते सलाम पे पढ़दा वे बंदा नजर नहीं आ रहा इत्थे जनाब जंगलां दा सिलसिला वे पहाड़ मौजूद ने जंगल दरख्त मौजूद ने इमाम अलंबिया ने मुस्करा के फरमाया अली पूछना चाहंदा वे ए कौन दरूद पे पढ़दा वे वेख ले ओ पहाड़े ओदे उत्ते इक पत्थर मौजूद है पत्थर मैं मुस्तफा दी बारगाह ते दरूदो सलाम सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी हजरते जी वकार असी तां इत्थे कहंदे आ ओ पत्थरां लो कल्ले में पढ़ा जानदा ए ओ अनबो ले आनो बुला जानदा ए ओ गुंगिया नो गल्ला करा जानदा ए ओ गुंगिया नो गल्ला करा जा ओ कौन केड़े नबी दी जात ए ओ नबी ए जदा मोहम्मद रसूल अल्लाह दा कलमा तो ते मैं पढ़ावे जड़ा आखिरो जमान नबी वे अगे सुनो इमाम अलंबिया दे गुलामो सियासता दे अंदर हदीसे पाक मौजूद ए इमाम अलंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा उत पहाड़ दे उते तशरीफ लै गए मेरे आका दे जदों कदमैन शरीफैन ओदे सर दी जीनत बने ने ना ओदा सिरा बने ने इमाम अलंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वेले तशरीफ लै गए उस ओद पहाड़ ने हिलना शुरू कर दिता लोग मुख्तलिफ किस्मां दे तर्जमे करदे ने कोई कहंदा जलजला आ जांदा है मेरे दोस्तों जे कदे जलजले वाली बात भी कर दे रही है तां भी मेरे नबी दी शान हया आउंदी है सुभान अल्लाह कोई तुहाडे चों ऐसा बंदा बैठा है भी जलजला आवे ते पैर मारे ते जलजला रुक जाए ओ भाई मेरे आका अलैहि सलातो सलाम ते आप दे गुलामां दी शान वराल वराए किताबां दे अंदर मौजूद है सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला नु मदीनातुल मुनव्वरा दे अंदर जलजला आया आपने दुरा मारिया ते फरमाया रुक जा क्या मैं तेरे ते इंसाफ नहीं कीता ओ इंसाफ करने वाले कौम दा आवाम दा ख्याल रखण वाले ये नहीं कि पीसी जाओ कौम नू ये अल्लाह दी मखलूक खुश होवेगी ते दुआवां दे देगी ऐ तख्ते पलट जांदे ने लोग दी दुआवां दे नाल ओ दुआ लेनी चाहीदी है गरीब लोग मिस्कीन लोग दुआवां देणगे ते अल्लाह लमिया हयातिया देवेगा आमीन हजरत जी वकार फारूक आजम जड़े आपे तो वध के लोगों का ख्याल रखते सन आपने दुरा मार के जलजला दूर कर दिता हुण कई लोग तर्जमा करते ने ओद पहाड़ ते जलजला आया असी वो तर्जमा नहीं करते हैं असी ते कहंदे हैं ओद पहाड़ है जुमिया जिवें कुछ सुन दो ना ते मजा आंदा है लुत्फ आंदा है जुमदे हो सुकून आंदा है ओद पहाड़ दे जे ए गल कर लवी है जलजले वाली ते फिर भी सुनिया दा अकीदा साबित हो गया मेरे नबी दी ताकत इतनी है मेरा नबी बेमिसलो बेमिसाल नबी है जड़ा नबी पहाड़ ते कदम सख्त करके मार दे फरमांदे उब सुत याहुद फैनमा अलैका नबीयुन व सिद्दीकुन व शहीदान तदों मार दे ने ते रब्बुल आलमीन दी मखलूक पहाड़ दे अंदर शऊर ही नहीं ऊ भी साकिन हो जांदा खलो जांदा है सुभान अल्लाह हजरत जी वकार असी तां इदे आंदे आ ना बल सह की है ना बल सह की गा मिसाल तेरी जावा बे तेरा तो शाह बल सकी है
शहीद केड़े सन इत्तफाकी अली अल मुर्तजा उस दिन नाल नहीं सन मौला कायनात अली अल मुर्तजा भी शहीद हजरत इमामे हसन भी शहीद हजरत इमामे हुसैन भी शहीद हजरत उस्माने गनी भी शहीद हजरत फारूक आजम भी शहीद सुभान अल्लाह ये अकीदा याद रख लवो करबला दे शहीदा नु भी मन्नो ओद दे शहीदा नु भी मन्नो बदर दे शहीदा नु भी मन्नो ते निजात होवेगी अगर ओद दे ते बदर दे शहीदा दा इनकार कीता ते मुकम्मल सही ईमान नहीं मजबूत ईमान नहीं मजबूत ईमान ओदा वे जेड़ा मुस्तफा दे असहाब नु भी मनदा वे मुस्तफा दी आल नु भी मनदा सुभान अल्लाह हजरत जी वकार फारूक आजम तो उस्मान गनी नबी करीम अलैहिस्सलाम दे नाल ते हजरत सिद्दीक अकबर नाल ने आका अलैहिस्सलाम ने एड़ी मारी ते फरमाया ओ बसुत रुक जा पहाड़ दे उते पत्थर दे उते ओ बसुत जा हुद रुक जा हुद तेरे उते एक नबी मौजूद है एक सिद्दीक मौजूद है दो शहीद मौजूद ने सुभान अल्लाह पढ़े लिखे दोस्त बैठे हो हजरत उस्मान गनी फारूक आजम तो बाद शहीद हुए हजरत फारूक आजम हजरत सिद्दीक अकबर की खिलाफत तो बाद खिलाफत की फिर शहीद होया क्या उस वेले शहीद हो गए सन नहीं सरकार दा दौर सी सरकार दी जहरी हयात अंदर आप मौजूद सन कितने साल बाद इन्होंने शहीद होना सी मेरे नबी ने पहले ही दस दिता सुभान अल्लाह जड़ा नबी अपने सहाबा दी कैफियत देख रहा केड़ा शहीद होवेगा ते ओनू फरमा रहे शहीद होवेगा हजराते जी वकार साल पहले मुस्तफा करीम जिवें सहाबा नू देख रहे सन इमामुल अंबिया दे गुलामो तुहानू ते मैनू भी मेरा नबी देख रहा है सुभान अल्लाह इमाम अल-अंबिया ने फरमाया इल्ली अरा मा ला तरौन व असमौ मा ला तस्मौन फरमाया लोगो मैं ओ कुछ वेदा वा जो तुसी नहीं वेदे जे मैं ओ कुछ सुनदा वा जो तुसी नहीं सुनले जे इमाम अल-अंबिया दे गुलामो मेरे आका ले सलातो सलाम ने फरमाया पहाड़ दे जिस वेले मेरे दोस्तों अपनी एड़ी मारिए पहाड़ रुक गया क्यों रुक गया रब्बुल आलमीन ने फरमाया ना महबूबा जमीनो आसमान दी जड़ी जड़ी चीज भी बनाइए महबूबा तेरे जेरे तसल्लो ते तेरे कंट्रोल विच मैं कर दिती है महबूबा आर्डर तू करेगा हुक्म तेरा मनेगी सुभान अल्लाह अगे सुनो इमाम अल-अंबिया दे गुलामो एक पिंड तो बंदा आया गट्टू मौजूद है ओदे कोल गो नू शिकार करके ले आया वे ए गो जड़ियां फिर रही होंदियां ने दब आखदे ने अरबी दे अंदर इहनू ए शिकार करके ले आया वे आण के पुछदा फारूक आजम बैठे ने कहण लगा तुहाडे विचों बंदा कौन है जिहने नबूवत दा दावा कीता वे इमाम अल-अंबिया दे गुलाम कहण लगे बई गल के करनी आ गल दस कहण लगा जनाब मैं कलमा पढ़ना चाहुंदा वां लेकिन कलमा एवें नहीं पढ़ांगा मेरा दिल मुतमैन होवेगा ते मैं कलमा पढ़ांगा इमाम अल-अंबिया दे गुलामो फारूक आजम नू अंदाज पसंद ना आया इमाम अल-अंबिया कोलो इजाजत मंगी या रसूल अल्लाह मैनू दसना फरमाया नहीं नहीं सादा बंदा वे नहीं आया वे बैठन दो बिठा लिया इमाम अल-अंबिया ने मेरे नबी दे गुलामो जे सोने नबी दा कलमा पढ़िया वे कितना अखलाक है मेरे महबूबे करीम अलैहिस्सलाम दा अज एक वार तो दूजी वार कोई साडे नाल गल करे असी गाल दे के गल करने आ इमाम अल-अंबिया दे गुलामो मेरा नबी बड़े प्यार नाल समझा रहा है ओनू बोलन दा अंदाज नहीं वल नहीं सादा बंदा है ना अनपढ़ बंदा है लेकिन इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े प्यार नाल फरमांदे ने की वेखना चाहना वे कहन लगा सुनया मां ए मुस्तफा करीम अलैहि सलाम नु कहन लगा मुसलमानां दे नबी मैं तेरा कलमा तां पढ़ांगा ए जड़ी गो मैं लेके आया वा ए अगर गवाही दे देवे के तू सच्चा नबी है ते मैं तेरा कलमा पढ़ जावांगा सुभान अल्लाह इमाम अल-अंबिया ने फरमाया या दबो मलताब फरमाया ए गो
दस ते सही तू कहनी इबादत करनी है। वो ने आवाज दिती बड़ी फजीओ फजीओ बली जबान दे अंदर के आए जड़ा जमीन आसमाना दा मालिक है मैं ओदी इबादत कर दी हां। फिर इमाम लंबिया ने पूछा या दबो मन आना ए ते दस मैं कौन आ जड़ा तेरे सामने बैठा वा। इमाम लंबिया दे गुलामो दब ने आवाज दिता आवाज दिती गो ने رسول رب العالمین سبحان اللہ پھر اگے کہن لگی وا خاتم المرسلین سبحان اللہ او دب سی گو سی جانور اسی اونوں سدے ہاں ओनू पता चल गया सोना नबी आखरी नबी है। इन्हां जानवरां नू हला नहीं पता चला सोना नबी आखरी है। कहने नू मन्नी बैठे ने ओए असी ते सोने नबी नू मनन वाले हां। उची कह दियो हजरत जी बकर इमाम लंबिया दे गुलामो आका अलैहि सलातो सलाम दे बारगाह दे अंदर ओने जिस वेले इस आवाज दे नाल गवाही दित्ती ते नाल ही ओने किया कद अफलाहा मन सद्दका का वकद खाबा मन कज़बा का महबूबा जिस तनु मन लिया ओदे बेड़े पार ने ओदी जिंदगी भी सवर गई कबर भी सवर गई हशर भी सवर गई ते जड़ा तुहानू नहीं मनण वाला ओदी जिंदगी भी ख्वार है कबर भी ख्वार है हशर भी ख्वार है। सुभान अल्लाह एक वो कह रही है हुण मेरे दोस्तों जड़ा पिंड तो आया सी बाबा झुक गया इमाम लंबिया दे सामने कहण लगा अशहादु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहादु अन्नक रसूलुल्लाह। सोनिया मैं गवाही दे नवा ऐ शिकार करके मैं ले आया सी इन्हें जदी तोड़ी गवाही दे दिती है मेरा दिल मनदा है तुसी पक्के ते सच्चे नबी ते रसूल। सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे हैदरी ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत। आगे सुनो इमाम लंबिया दे गुलामो जिस वेले कलमा ने पढ़ लिया मेरे सोने नबी ने दलाल नबूवत अंदर सारी बात मौजूद है। मैं इमाम लंबिया ने फरमाया मेरे सहाबा नवा नवा आया नमाज का नहीं पता इनू इनू कुरान का नहीं पता इनू अलहमद शरीफ भी पढ़ाओ कुल शरीफ की भी तालीम दो जड़ी असी खत्म शरीफ से भी पढ़ने इमाम लंबिया दे गुलामा ने कुरान मजीद की तालीम भी दिती दीनी तालीम भी दिती जिस वेले दिती तालीम से बड़ा खुश होया कहन लगा कितना सोना अल्लाह दा कुरान है मैं बड़ी किस्मत वाला जड़ा मैं कलमा पढ़ गया। इमाम लंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दोस्तों कलमा पढ़ाने तो बाद सारिया चीज़ा दी तालीम सहाबा इकराम ने दी है देने तो बाद मेरे इमाम लंबिया दी बारगाह दे अंदर आहदा वे सोने जदों तक मैं कलमा नहीं सी पढ़ा तुहाडा जिक्र भी चंगा नहीं सी लगदा या रसूल अल्लाह तुहाडी सूरत नूं भी मैं सुनदा सी आम सूरत समझदा सी महबूबा जदों मैं तुहाडा कलमा पढ़ लिया है सारिया सूरतां तो प्यारी सूरत मैनू तुहाडी लगदी है। सुभान अल्लाह एक गल याद रख लवो ईमान होवे ना अंदर नबी दा जिक्र करो ते बंदा खुश होंदा है ईमान होवे अंदर साहब दा जिक्र होवे बंदा खुश होंदा है ईमान अंदर होवे नबी दी आल दा जिक्र होवे बंदा खुश होंदा है क्योंकि ईमान दी अलामत है। ईमान अगर अंदर नहीं ते ना अल्लाह दा जिक्र ते ना अल्लाह दे रसूल दा जिक्र ते ना प्यारे दा जिक्र चंगा लगदा है जेनू चंगा लगदा है समझे कि अंदर ईमान मौजूद है। सुभान अल्लाह कहते जी वकार फिर अगे सुनो हदीस खत्म नहीं हुई हुण इमाम लंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा ए तुहाडा पुराना है। सुभान अल्लाह बड़ी इज्जत करदे हो ना तुसी भी मेहमान दी ए तुहाडा मेहमान है आया ते गट्टू दे विच गो पा के लिया इन्हां दे कोल सवारी ना पैसे मेरे सहाबा जरा थोड़ी थोड़ी पैसे कुछ दिरम दिनार कुछ माल थोड़ा कट्ठा करो ना ते एदी खिदमत कर दे इनू पता चले नबी दे गुलाम सखी आंदे ने। इमाम लंबिया दे गुलामो सहाबा इकराम ने कट्ठे कीती चीज़ां कट्ठियां कीतियां ते पेश कर दितियां
इतना माल इतना माल। एक सहाबी और बड़ी सोहनी जी उठनी सी ओहदे कोल, उठाउंदे सन अरब दे अंदर। इमाम अल-अंबिया दी बारगाह दे अंदर या रसूल अल्लाह मैनू एक यार सी ना, उस मैनू ये तोहफा दिता सी ते सोहणिया तुसां हुक्म कीता है ते मेरा दिल करदा है मैं इस बेली नवे मुसलमान होलां नूं मैं दे ना देवां। सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया और सुन जड़ी उठनी तेनू तोहफा दिती गई ना ओदिया तारीफा तू कर रहा। मार साहब महबूबे करीम ने फरमाया ओए ओदी तारीफ तू कर रहा, जन्नत में जड़ी अल्लाह ने तेनू देनी ओदी तारीफ में मुस्तफा कर दवा। सुभान अल्लाह। मैं तेनू दसदा इतनी प्यारी होवेगी रेशम दा कजावा लगा होवेगा ए सोहनी उठनी अल्लाह ने इसके बदले तेनू जन्नत विच अता फरमानी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह दी राह विच देण वालेओ अल्लाह दी बारगाह दे अंदर पेश कीता करो ते रब्बुल आलमीन ओदा बदला कितना अजर अता फरमांदा है। हजरत जी वकार रब्बुल आलमीन जल्ला जलालू दे महबूबे करीम दी बारगाह दे अंदर ओने आया सी, गरीबड़ा सी, हुण जा रिहा ते भरी के जा रिहा ते उठनी लेके जा रहा। हजरत जी वकार ना लियो कहंदा रहो मेरे दोस्तों असी सुनी भी है यकीदा रखते हैं हम नाम नबी का विरद जुबां पर लाते हैं इस नाम के सदके मुश्किल हल करवाते हैं कोई माल या ना माल ये है उसकी रजा सदका खाते हैं हम सुन सुनी सरकार का सदका खाते हैं कोई माने या ना माने ये है उसकी रजा हम सुन सुनी सरकार का सदका खाते हैं। हजरते जी वकार ओ बंदा चलिया अपने कबीले वाल रास्ते दे अंदर हजार बंदा उन्हूं मिलिया उठा ते सवार है नेजे मौजूद ने तलवारा मौजूद ने पुछण लगा किधर जा रहे हो कहण लगा जनाबे फलां इलाके दे अंदर एक बंदा है वो कहंदा मैं सच्चा नबी हाँ असी जाके ओहदे नाल जंग करन वास्ते जा रहे हाँ। उतर गया अपनी सवारी तो हथ जोड़ के कहंदा है ना जाना जे मारे जाओगे जहन्नम चले जाओगे मैं हुणे देख के आया जे मैं गोनू लैके गया सी गो ने गवाही दी अल्लाह दे सच्चे रसूल ने मेरी गल ते मैं कौम दा सरदार है इतबार कर जाओ। इमाम अल-अंबिया दे गुलामो फिर चंगिया कौम अपने वड्डियां ते इतबार कर जांदियां ने ओ इतबार करके कहंदे ने साडा तू सरदार है साडा वड्डा है ते तू कलमा पढ़ लिया ते असी भी उस नबी दे गुलाम पढ़ जांदे आ। सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ लिया हजार बंदे ने मेरे नबी नू पता चल गया मेरे आका अलैहि सलाम तशरीफ लै गए ने जा रहे ने मेरे नबी उत्थे पहुंचे जिस वेले कोल करीब पहुंचे सारे अपनियां सवारियां तो उतर गए इमाम अल-अंबिया दे पैरां नूं पै चुमदे ने हत्थां नूं पै चुमदे ने जिस्म नूं पै चुमदे ने ते नाल ही कह रहे ने जिस वेले तक असीं तुहाडा कलमा नहीं सी पढ़िया तुहाडे नाल सारी दुश्मनी सी हुण तुहाडे गुलाम बन गए हां। महबूबा ए जान भी तेरी है दिल भी तेरा है। सुभान अल्लाह। رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ। हजराते जी वकार उन्होंने क्या होवेगा ना क्या पेशे करे तुझे को क्या चीज हमारी है ये दिल भी तुम्हारा है ये जा भी तुम्हारी है। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया ओ तुसी मुसलमान हो गए हो ईमान ले आयो मेरे गुलाम बन गए हो मैं तुहानू आर्डर देंदा वा फलां जगह ते जंग
सारे हजार बंदा अपने हथियार लैके अपनिया तलवारा ते नेजे लैके ओहदे अंदर शामिल हो जावे। किताब वाले लिखते ने लगता है वे खालिद बिन वलीद दी सरको मेरे दोस्तों उन्हां दी सिपा सलारी दे अंदर एक दुश्मन दी सरकोपी वास्ते गए ने दुश्मनां नूं नेस्त नाबूद करने वास्ते वो सारे लोग चले गए। इमामुल अंबिया दी बारगाह दे अंदर मेरे दोस्तों उन्होंने ईमान पेश करके अपनिया जाना दे नजराने भी अपनिया जाना अपने ईमान अपने दिल महबूबे करीम ते निछावर फरमा दिते। सुभान अल्लाह। उस सोने नबी दा कलमा पढ़िया वे इमामुल अंबिया दे गुलामो जेनू जानवर भी जेनू परिंद भी जेनू चरिंद भी जेनू मेरे दोस्तों जड़ी असी समझ नहीं सकते हैं ओ चीज़ां भी आके इमामुल अंबिया दी बारगाह दे अंदर शिकायत भी कर दियां ने नबी दे कलमे भी पढ़ दियां ने नबी दी बारगाह दे अंदर मेरे दोस्तों अपने दुखड़े भी पेश कर दियां ने। इमामुल अंबिया दी बारगाह दे अंदर एक बंदा आया कहन लगा या रसूल अल्लाह साडे कोल उठे ते उठ साडा कहना नहीं मंदा कम नहीं करदा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए जाके ओनू पकड़िया सिर तो पकड़ के वाला तो फरमाया ए तेरे मालिक ने जिवें तेनू कमन आर्डर मनिया कर फौरन उन्हां दे ताबे हो गया उठ। सुभान अल्लाह। हजरत जी वकार एक उठ जेनू पागल समझदे ने लोग के पागल हो गया हवेली दे अंदर बंदे सहाबा इकराम कहंदे ने या रसूल अल्लाह अंदर ना जाना जे नुकसान देणगे। फरमाया तुहानू नहीं पता मैं अल्लाह दा सच्चा रसूल हां। इमामुल अंबिया दे गुलामो मेरे आका तशरीफ लै गए जाके ओदे उठ कोलों पुछिया कहण लगा या रसूल अल्लाह ए मैनू ज़िबा करना चाहंदे ने मैनू मैनू खाना थोड़ा देंदे ने घास थोड़ा देंदे ने चारा थोड़ा देंदे ने पानी थोड़ा देंदे ने कम ज्यादा लेंदे ने। इमामुल अंबिया ने उन्होंने मालिका नूं बुला के फरमाया अल्लाह कोलों डरो कम जे ज्यादा लेंदे हो इनू खाया भी ज्यादा करो ताकि ताकत भी इहदे अंदर ज्यादा आवे। सुभान अल्लाह। मेरे नबी दे गुलामो असीं तां ही जादे हां आका जी दी करे ते गुलामां दीआं टोलियां आका जी दी करे ते गुलामां दीआं टोलियां आका करते गुलामां दियां टोलियां एक सुनन वाला है हजारां दियां बोलियां एक सुनन वाला है हजारां दियां बोलियां एक सुनन वाला है हजारां दियां बोलियां एक सुनन वाला चरिंदा देने परिंदा देने चिड़िया एक दिन मर्दी मां मुलंबिया दे ए चिड़िया आके चू चू कर रही है सहाबा इकराम सुन रहे ने किसे नु समझ ना आई। इमाम मुलंबिया ने फरमाया मेरे सहाबा कौन है जेने इस चिड़िया दे बच्चियां नु चुराया है वापस कर दियो मेरी बारगाह दे अंदर शिकायतां पई करदी है। एक ही सुनन वाला है हजारां बोलिया प्यार ना पढ़ो नौजवानों एक ही सुनन वाला है दिया बोलिया एक ही सुनन वाला है हजारा दिया बोलिया आका जी दी रोजे ते आका जी दी दर ते गुलामां दिया अगे सुनो इमामुल अंबिया दे गुलामो मेरे आका ले मैं मुख्तसर अर्ज करा मैं इस हाले सवा भी थोड़ा जहा अर्ज करना वे खत्म शरीफ दा वी टाइम है दूर दराज तो मेहमान तशरीफ ले आयो तवज्जो फरमाना इमामुल अंबिया दे गुलामो मेरे महबूबे करीम अलैहि सलाम दी जाते पाक होवे जमीन आसमान हर किस्म दियां चीजां इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मेरे दोस्तों आप दे मुसल्ला आप दे महतात ने आप दे महकूम ने आप दा हुक्म मनण वालियां ने जिन्हों मेरा नबी हुक्म फरमांदा है ओ मेरे दोस्तों अवे हो जांदा है। इमामुल अंबिया दे गुलामो मेरे आका अलैहि सलातो सलाम जा रहे ने कबर विच रोण दी आवाज आ रही है इमामुल अंबिया ने अपने सहाबे इकराम नु फरमाया खजूर दी टहनी लियाओ सावे रंग दी खजूर दी सबज टहनी लाई गई। आका अलैहि सलातो सलाम ने टहनी मंगा के दो टुकड़े कीते दो टुकड़े करके कबर ते एक एक पासे इस पासे ला दिती
या रसूल अल्लाह इहदा फायदा के होवेगा वजह की सी फरमाया है कबर वाले ते अज़ाब हो रहा सी मैं देख रहा चीख चिल्ला रहे ने ते फरमाया मैं टेढ़ियां सावियां ला दितिया ने जदों तक सबर सिकिया रहन गियां अल्लाह दी तस्बीह कर दिया रहन गियां अल्लाह दी तस्बीह कर दिया रहन गियां एदे तो अज़ाब टलदा रहेगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह लंबिया दे गुलामो पता चला तू ते मैं जिस चीज नु नहीं देखदे आ मेरा नबी देखदा वे कबर दे अंदर अज़ाब हो रहा सुब सुकून है अज़ाब दे अंदर तकलीफ दे अंदर जिस हालत दे अंदर भी बंदा मौजूद है मेरा नबी मुशाहिदा फरमा रहा वे फिर जान ले तू ते मैं मुस्तफा दी मिसल नहीं हो सकते हां मुस्तफा दी जात ते होवे जड़ी अरशा दा राही अरशा ते चलन वाली है मुस्तफा दी जात पाक तो ना कोई अर्श वाली चीज हो जाले ना कोई फर्श वाली चीज हो जाले सुभान अल्लाह आला हजरत ने ता इते फरमाया सरे अरेशे पर है तेरी गुजर दिल फरेश पर है तेरी नजर माला कोत मुल्क में कोई शह वो नहीं जो तुझे पे आयान हो बलागल ओलाबे का माल ही कशफ सोनत जमीओ के साल ही सल्लू अलैहि इमाम लंबिया दे गुलामो मेरे नबी दा फरमान फरमाया जदों तक सावियां टिकिया रहन गईयां हरियां टिकिया रहन गईयां अल्लाह दी तस्बीह पढ़दियां रहन गईयां इमाम लंबिया दे गुलामो जे कबर दे उत्ते कंकर छोटे छोटे पत्थर रख दिते जावन तवज्जो नाल ई भी तस्बीह पढ़दियां ने अल्लाह दियां सावी शाय ला दित्ती जावे ई भी तस्बीह पढ़दियां ने इमाम लंबिया दे गुलामो ए चीजां पा दित्तियां जावन तस्बीह पढ़दियां ने कबर वाले नूं सुकून मिलदा है ओ जिस कबर वाले दे वास्ते कई कुरान दे खत्म कर देते जावन अल्लाह ओनू कितना सुकून अता फरमांदा सुभान अल्लाह इसे वास्ते हर साल मार साहब बैठे ने अपनी वालदा मोहतरमा दे वास्ते और वाले साहब दे वास्ते बुजुर्गों दे वास्ते ये इशाले सवाब दा इत्तेमाम करदे ने असी यही कुछ कर सकते हैं उन्हां वास्ते दुआवां मंगदे रहिए इंशाल्लाह असी जदों चलांगे साढ़े बच्चे साढ़े वास्ते भी दुआवां मंगणगे सुभान अल्लाह ते कुरान दा कितना अल्लाह सवाब पहुँचांदा होवेगा अल्लाह पाक कुरान दा कितना सुनो तफसीर बेज़ावी शरीफ दे अंदर मौजूद है कि एक कब्रस्तान ते लोगों नू अजाब हो रहा सी कबर वालिया नू ते आका अलैहि सलातो व सलाम ने इरशाद फरमाया उन्हां तो अजाब उठ गया अजाब उठन दी वजह के सी सूरह फातिहा दी फजीलत दे अंदर काजी बेज़ावी लिखदे ने बेज़ावी शरीफ दे अंदर अजाब उठ गया वजह पूछी गई किस वजह तो उठ गया फरमाया इस कौम दे एक बच्चे ने पढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह ने अपनी हमद और रब्बुल आलमीनी और रहीमी और रहमानी दे तो फैल खाले की कायनात ने उन्हें सारे कब्रस्तान वाले तो अजाब उठा देता सुभान अल्लाह एक आयत पढ़ी जाए सूरह फातिहा पढ़ी जाए अजाब उठ जाते ने और जिन्हें वास्ते बेटे कुरान पढ़ते ने तस्बीहां पढ़ते ने अल्लाह दी बारगाह दे अंदर तहलील करते ने और सदके करते ने अल्लाह उन्हां दा सवाब कितना पहुंचांदा होवे सुभान अल्लाह हजरत जी वकार असी ते रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर ये दुआवां मंगदे ने मेरे मालिक सानू अपने अमाल ते नहस नहीं रब्बुल आलमीन असी अदल नहीं मंगदे तेरी बारगाह दे अंदर फजल मंगदे अदल करे ते थर थर कंबल ते उचियां शाना वाले ते फजल करे ते बख्शे जावन ते महवर गे मुकाले रहमत दा मी पा इलाही
ते बाग सुका कर हरिया है आस उम्मीद मेरी दा बोता ते कर दे हरे या भरिया देवन कारण मालिक तू दाता है सदा में असी मंगण लई सवाली पाद खैर फकीरा ताए अज जावे कोई कदे गुलाम तवज्जो फरमाना इमाम अल-अंबिया ने फरमाया ये मसला समझ आ गया ना सी सवाब क्यों पहुंचांदे आं इमाम अल-अंबिया ने भी फरमाया वे जिस बंदे दा बाप दुनिया तो चला जावे ओनू करना के चाहिदा है जे बाप नू अपनी कबर दे अंदर खुश करना चाहंदा वे राजी करना चाहंदा वे इमाम अल-अंबिया दे गुलामो फरमाया ओ के करे अपने बाप दे यारां दोस्तां दे नाल उवी प्यार कायम रखे जिवें ओदा बाप करदा सी रब्बुल आलमीन दे महबूबे करीम ने फरमाया ओ बंदा दुनिया ते अपने घर दे अंदर अपने महल्ले दे अंदर अपनी गली दे अंदर अपने बाप दे यारां बेलियां दे नाल मिलदा अच्छे तरीके नाल होवेगा बोलदा अच्छे तरीके नाल होवेगा रब्बुल आलमीन अपने कर्म फजल दे नाल इस अमल दी वजह तो ओदे बाप नू कबर विच खुशियां ता फरमा देवेगा सुभान अल्लाह एदे अंदर हदीसे पाक मौजूद है सही मुस्लिम शरीफ दे अंदर मौजूद है हजरत फारूक आजम दे बेटे हजरत अब्दुल्ला अब्दुल्ला बिन उमर जा रहे ने गली दे अंदर पहुंचे एक नाल साथी भी सी उन्होंने गली दे अंदर पहुंचे तो एक बाबा जी आया गो बाबा जी ना मुलाकात हुई ये सवारी ते सवार सन ते बाबा जी नू बड़े प्यार ना मिले ए बुजुर्ग भी बैठे ने इन्हां नू प्यार नाल अगर बेटे बुला लवन बतरीए बुला लवन ते वड्डे बुजुर्ग बड़े राजी हो जांदे ने दुआवां देंदे ने दुआवां लैणियां चाहीदियां माइयां तो बुजुर्गां तो दुआवां लैणियां चाहीदियां हजरत जी वकार ओ बाबा जी मिले बड़े प्यार नाल आपने अपनी पगड़ी ला के मार साहब बैठे ने पगड़ी बड़ी पगड़ी एक इस्तलाब है साड़ी भाई पग जेदी आ जांदी ना उहदे ते जिम्मेदारियां भी पै जांदियां ने ते उहदा हया भी बड़ा करना पैंदा है क्यों मार साहब ओह पग आपने अब्दुल्ला बिन उमर ने ला के ते बाबे दे सिर ते पा दित्ती हुण जिहड़ा नाल बेली सी ना ओह बड़ा हैरान ਉਹ ਕਹ ਰਹੇ ਯਾਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੱਗ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਾਪ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਸਨ ਬੇਲੀ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਤਲਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਤਲਕ ਰੱਖੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਬਾਪ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਾਪ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਯਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਲਕ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੋਂ ਚਾਏ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੜੀ ਲੱਜ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਵਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਹ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਪ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਤਲਕ ਰੱਖੋ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ
ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਿਆ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਇਆ ਕਰੇ। ਆਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਫਲ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਸੁਨਤ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਤਰ ਪੜਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਪੜੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਅਤਹਿਯਾਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਅਤਹਿਯਾਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਪੜਦੇ ਹੋ, ਕਾਦਾ ਪਹਿਲੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਪੜਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਖਰ ਤੇ ਸਲਾਮ ਫੇਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان الله ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੀ। ਮੰਗਦੇ ਰਹੋ, ਮੰਗਦੇ ਰਹੋ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਾਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣ ਕੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਉਲੰਬੀਆ ਦੇ ਗੁਲਾਮ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਿਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਲ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਿਆਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਤੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਰਾ ਰਸਾਲਤ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਰਸੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਰਾ ਤਹਕੀਕ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਾਬਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਲੱਗੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰ ਦੇਵੀ, ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰ ਦੇਵੀ, ਅਸਾਂ ਕਲਮਾ ਮਹਬੂਬੇ ਕਰੀਮ ਦਾ ਪੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਅਜ਼ੀਮ ਨਬੀ ਦਾ ਪੜਿਆ ਵੇ, ਉਸ ਅਜ਼ਮਤਾ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਦੇ ਤੋਫੈਲ, ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਅੱਜ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਿਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਮਰਹੂਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾ ਦੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ। ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਹਬੂਬ ਦੇ ਤੋਫੈਲ, ਆਪਣੇ ਮਹਬੂਬ ਦੇ ਵੱਧੋ ਹੱਥ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੋਫੈਲ, ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਸਭ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਮੀਨ। ਹਜ਼ਰਾਤੇ ਜੀ ਵਕਾਰ, ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਜੱਲਾ ਜਲਾਲੂ, ਬਸ ਆਖਰੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮੈਂ। ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਬਾਪ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਮੰਗੇ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗੇ, ਮੋਮਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਦੁਆ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਕੇ ਉਸ ਮਰਹੂਮ ਦੀ ਵੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਆ ਕੇ ਪੜਦੇ ਹੋ ਨਾ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਲਵੋ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਵੇ ਉਹ ਸੁਣ, ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਈਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜਦਾ ਵੇ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੜਦਾ ਵੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਓਦ ਪਹਾੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਸਵਾਬ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਬਰ ਦਫਨਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਦਫਨਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਜ਼ਰਾਤੇ ਜੀ ਵਕਾਰ, ਦਫਨਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ, ਦਫਨਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਕੈਫੀਅਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਭਾਈ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਸ਼ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ, ਜਿਹਦਾ ਕਲਮਾ ਨਬੀ ਦਾ ਪੜਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਲਜਪਾਲ ਨਬੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਲ ਵੀ ਬੜੀ ਲਜਪਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਲ ਵੀ ਬੜੀ ਲਜਪਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਿਦੀਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਸੈਯਦ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਿਦੀਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ,
इन्हां दी वालदा मेरे दोस्तों शहर बानो बीबी शहर बानो शहजादिया सन ईरान दियाँ इन्हां दा निकाह पढ़ाण वाले फारूक आजम ने हजरत मामे हुसैन नू मेरे दोस्तों आपने दित्ती सी फरमांदे सन ईबी शहजादी है दे वास्ते शहजादा होना चाहिदा है। लोगां ने कहा जनाब तुहाडा बेटा भी फरमाया असी ते गुलाम आ शहजादा ते हुसैन है ये ना। उस इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी गल सुनो मेरे दोस्तों करबला दी सरजमीन तो बाद ए मारका पेश आण तो बाद ए शाम तो एक बंदा दौड़दियां गया मदीनातुल मुनव्वरा दे अंदर गया जिस वेले जाके दरवाजा खटखटाया इमाम ज़ैनुल आबिदीन दा इमाम ज़ैनुल आबिदीन लजपाल सन न लजपालां दी औलाद सन इमामुल अंबिया दे गुलामों दरवाजा खटखटाया आपने पहचान लिया ए ओही मुजी है जड़ा पानी बंद करन वाला सी जड़ा तीर मारन वाला सी लेकिन आपने कोई बात ना की थी। मेरे दोस्तों घर अंदर बिठाया तीन दिन तक रोटी दिती पानी दिता इमामुल अंबिया दे गुलामों सी उन्हां नूं मनन वाले आ तीन दिन तो बाद जिस वेले निकलन लगा ते कहन लगा इमाम लगदा तुसा मैनू स्याते नहीं पहचानिया नहीं आप दी अखा चो आंसू आ गए फरमाया ओए जिस दिहाड़े दरवाजे ते खलोता सी उसे दिहाड़े मैं तैनू पहचान लिया है सवाल करदा है मैं ते तुहाडे ते पानी बंद कीता तुसा मैनू पानी भी दिता है रोटी भी दिती है इज्जत भी कीती है फरमाया ओ जो कुछ तू करबला दे अंदर कीता सी तुहाडे वड्डियां दा किरदार सी जो कुछ असा तेरे नाल कीता है साडे वड्डियां दी तरबीयत है। अले दे लाल ने लज पाल नसला तार दे देने अले दे लाल ने लज पाल नसला तार दे दे अल्लाह इस पाक जिक्र दे सदके भाई तैर दे वाले दे ग्रामी दी मगफरत फरमाए प्यार ना पढ़ लो अले दे लाल ने लज पाल नसला तार दे देले करम दिया करके ओ नजरा ओ बख्त सवार दे देले अले दे लाल ने लज पाल नसीला तार दे देले अले दे लाल ने लज पाल सलामत रख वाले ते फजल करे ते बख्श जावन ते महवर गे मुकाले रहमत दा मी पा इलाही ते बाग सुका कर हरिया आस उम्मीद मेरी दा बोता ते कर दे हरे या भरिया देवन कारण मालिका तू दाता सदा में असी मंगण लई सवाली पादी खैर फकीरा ताए अज जावे कोई कदे गुलामो तवज्जो फरमाना इमामुल अंबिया ने फरमाया ये मसला समझ आ गया ना सी सवाब क्यों पहुंचांदे आ इमामुल अंबिया ने भी फरमाया वे
जिस बंदे दा बाप दुनिया तो चला जावे ओनू करना के चाहिदा है। जे बाप नू अपनी कबर दे अंदर खुश करना चाहंदा वे, राजी करना चाहंदा वे। इमामुल अंबिया दे गुलामो फरमाया ओ के करे अपने बाप दे यारां दोस्तां दे नाल उवी प्यार कायम रखे जिवें ओदा बाप करदा सी। रब्बुल आलमीन दे महबूबे करीम ने फरमाया ओ बंदा दुनिया ते अपने घर दे अंदर, अपने महल्ले दे अंदर, अपनी गली दे अंदर अपने बाप दे यारां बेलियां दे नाल मिलदा अच्छे तरीके नाल होवेगा, बोलदा अच्छे तरीके नाल होवेगा। रब्बुल आलमीन अपने कर्म फजल दे नाल इस अमल दी वजह तो ओदे बाप नू कबर विच खुशियां ता फरमा देवेगा। सुभान अल्लाह। इहदे अंदर हदीस पाक मौजूद है, सही मुस्लिम शरीफ दे अंदर मौजूद है। हजरत फारूक आजम दे बेटे हजरत अब्दुल्ला अब्दुल्ला बिन उमर जा रहे ने गली दे अंदर पहुंचे, एक नाल साथी भी सी उन्होंने, गली दे अंदर पहुंचे तो एक बाबा जी आया गो। बाबा जी ना मुलाकात हुई, ये सवारी ते सवार सन ते बाबा जी नू बड़े प्यार ना मिले। ए बुजुर्ग भी बैठे ने इन्हां नू प्यार नाल अगर बेटे बुला लवन बतरीए बुला लवन ते वड्डे बुजुर्ग बड़े राजी हो जांदे ने, दुआवां देंदे ने। दुआवां लैणियां चाहीदियां माइयां तो बुजुर्गां तो दुआवां लैणियां चाहीदियां। हजरत जी वकार ओ बाबा जी मिले बड़े प्यार नाल, आपने अपनी पगड़ी ला के मार साहब बैठे ने पगड़ी, बड़ी पगड़ी एक इस्तलाब है साड़ी भाई, पग जेदी आ जाती ना उते ते जिम्मेदारियां भी पै जांदियां ने ते उहदा हया भी बड़ा करना पैंदा है। क्यों मार साहब? ओ पग आपने अब्दुल्ला बिन उमर ने ला के ते बाबे दे सिर ते पा दी। हुण जिहड़ा नाल बेली सी ना ओह बड़ा हैरान, वह कह रहे यार ये बाबा तुहाडा चाचा नहीं, तुहाडा मामा नहीं, तुहाडा रिश्तेदार नहीं, एडा प्यार कर रहे हो ए एडी इज्जत कर रहे हो ए इन्हू पग भी ला के सिर ते पवा दी। आपने फरमाया यार रिश्तेदार वाकई नहीं लेकिन एक रिश्ता है मेरा इस नाल। अपने प्यो नू खुश करना चाहता हो अपने बाप दे यारां दी औलाद दे नाल या बाप दे तलक रखण वालियां दे नाल या बाप दे दोस्तां दे नाल उवीं तलक रखे जिवें प्यो रखदा सी। अल्लाह रब्बुल आलमीन करम करेगा इहदी वजह तो सिला रहमी दी वजह तो इस मेहरबानी दी वजह तो ओदे बाप नू कबर विच खुश हो जाएगा, कबर विच खुश कर देवेगा। जिहदा बाप कबर विच खुश हो जाएगा रब्बुल आलमीन दा बंदा जिहड़ा बाद विच ओदी औलाद मौजूद है ओ बंदा ओदे वास्ते भी दुआवां करेगा, ओदी भी बख्शिश हो जाएगी। बाप कबर विच खुश हो जाएगा अगर बेटा ओदे यारां नाल ओदे तलक आलिआं नाल उवीं पेश आवे। ऐ वड्डे वड्डे लोग बड़े निभांदे ने इस गल नू कि यार तेरे वड्डे नाल इज तलक सी साडा, अजकल तो खत्म हो गई ने जी चीज़ा, अजकल खत्म हो गई ने। वड्डे बाबे बैठे ने बुजुर्ग इन्हां कोल पुछ लवो, बड़े बड़े हया किए जाते सन लोगों के भी वो तलक सी साडा है, कहने घरों चाय पी लेंदे सन तो ओदा बड़ी लज रखते सन। हजरत जी वकार ते ए शरीयत दा हुक्म है, ये सिला रहमी शरीयत दा हुक्म है कि बाप नू खुश करना चाहते हो तो बाप के रिश्तेदारां दे नाल बाप दे प्यार करन वालियां दे नाल अच्छा तलक रखो। अगे सुनो, जड़ा बंदा ये चाहता है कि मैं मर जावां ते मरण तो बाद मैनू सकून मिले कबर विच, ओनू चाहिदा है वह आप भी नमाज पढ़िया करे, अपने पुत्रां नू भी नमाज पढ़ाया करे। आदे होवोगे किवें भाई? हर बंदा जो नफल पढ़ता है, सुन्नत पढ़ता है, फर्ज पढ़ता है, वितर पढ़ता है, कोई शह पढ़े ना ते आखिरी अतहियात ते बहंदे हो ना सारे, अतहियात ते बह के दुरूद शरीफ भी पढ़ते हो, कादा पहली अल्फाज भी पढ़ते हो, फिर आखिर ते सलाम फेरन तो पहले एक दुआ मंगते हो। رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان الله ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੀਂ।
मंगते रवो मंगते रवो। दिन विच कितनी बार बंदा कांधे च बह के दुआ मंगदा है, अंदाजा लाओ कदी ना कदी रब सुन के कबूल नहीं फरमाएगा। ते इमाम अंबिया दे गुलाम इस वास्ते असी तो उम्मीद ते ही बैठे ना रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर, रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर दुआवां मंगण वाले बैठे हां, खालिक कायनात दी बारगाह दे अंदर उम्मीद ला के बैठे हां। रब्बुल आलमीन तेरा फजल मंगदे हां, अदल दे काबिल असी नहीं, असी गुनाहगार उसाकार जरूर हां, लेकिन रब्बुल आलमीन तेरे महबूब नाल भी प्यार करन वाले हां, महबूब दे महबूबा नाल भी प्यार करन वाले हां, किसी दे बागी नहीं, किसी दे दुश्मन नहीं आ, सब नाल प्यार कर दिया। नारा रिसालत भी लगे ते रसी या रसूल अल्लाह दा नारा ला के बड़े प्यार दे नाल जवाब दें दिया। नारा तहकीक भी लगे, नबी दे सहाबा दा जवाब भी दें दिया। जदों नारा हैदरी लगे, मौला अली दा नाम भी बड़े प्यार नाल लें दिया। सुभान अल्लाह। ए अकीदा साडे कोल है जी, सरमाया है रब्बुल आलमीन, एदी दी वजह तो रब्बुल आलमीन साडे ते करम कर देवी, रब्बुल आलमीन साडे ते फजल कर देवी। असा कलमा महबूबे करीम दा पढ़िया है ना, अजीम नबी दा पढ़िया वे, उस अजमत वाले नबी दे तुफैल रब्बुल आलमीन अज दुआ करदे आ। खालिक कायनात मरहूम मोहम्मद बशीर साहब दी भी मगफरत फरमा दे रब्बुल आलमीन। रब्बुल आलमीन इस खानदान दे अंदर जितने भी दुनिया तो चले गए ने, अपने महबूब दे तुफैल, अपने महबूब दे वद्दो हाथ चेहरे दे तुफैल रब्बुल आलमीन सब दी मगफरत फरमा दे। कह दियो आमीन। हजरते जी वकार रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुन, बस आखिरी बात कर रहे हैं मैं। इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाप दे वादे नु पूरा करना चाहिदा है। बाप ने अगर किसी नाल वादा कीता है ना, ते पुत्र नु चाहिदा है कोशिश करे जितना हो सके ओदे वादे पूरे करे। नाल ही इमाम अंबिया ने फरमाया जदों अपने वास्ते दुआ मंगी जाए, जड़ा अपने मापिया नु कबर विच खुश करना चाहता वे ओनू चाहिदा दुआवां मंगदा रहे, उन्हां दे वास्ते भी दुआ मंगे, सारे रिश्तेदारां वास्ते दुआ मंगे, मोमिन मुसलमानां वास्ते दुआ मंगे। जिस वेले सारियां वास्ते दुआ मंगेगा आप अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजलो करम दे नाल करम करेगा, दुआ नू कबूल फरमा के उस मरहूम दी भी मगफरत फरमा देवेगा, दुआ मंगण वाले नू भी रब्बुल आलमीन बख्श देवेगा। सुभान अल्लाह। इमाम अंबिया दे गुलामो, क्योंकि नेक बंदे वास्ते दुआ की जाए, जनाजा आके पढ़ दो ना दुआवां मंग दो। सुन लवो हदीसे पाक, मेरे नबी सोने ने फरमाया वे जेदा कलमा पढ़िया वे उस सुन नबी ने फरमाया वे, फरमाया जड़ा बंदा आके किसे मैयत दा जनाजा अल्लाह दी रजा दे वास्ते पढ़दा वे, रब सोने नू राजी करन वास्ते पढ़दा वे, फरमाया जिस वेले जांदा वे खाली नहीं जांदा, ओद पहाड़ दे बराबर ओनू रब्बुल आलमीन सवाब अता फरमा देंदा है। फिर फरमाया जड़ा बंदा कबर दफनान तक जांदा है, कब्रस्तान तक जांदा है, जाके दफना के वापस आंदा है। जी हजराते जी वकार, दफना के जिस वेले वापस आंदा वे इमाम अंबिया दे गुलामो, दफना के वापस आंदा वे कैफियत होंदी है अल्लाह ओदा सवाब डबल कर देंदा है, अल्लाह ओदा सवाब डबल कर देंदा है। हुण आखिरी बात सुन लवो, भाई सरफराज बड़ा प्यार करदे ने, इन्हां ने गल कीती है, फरमाइश मैं आखिरी प्यार तुहाडे सामने पेश कर देवां। इमाम अंबिया दे गुलामो, जिहदा कलमा नबी दा पढ़ाए, बड़ा लजपाल नबी है, मेरे नबी दी आल भी बड़ी लजपाले, मेरे नबी दी आल भी बड़ी लजपाले। हुण सुनो ना हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिन्हां दी वजह तो सारी कायनात अंदर जितने सैयद मौजूद ने, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी औलाद विचों ने, इन्हां दी वालदा मेरे दोस्तों शहर बानो, बीबी शहर बानो शहजादिया सन ईरान दियाँ, इन्हां दा निकाह पढ़ाण वाले फारूक आजम ने, हजरत इमाम हुसैन नू मेरे दोस्तों आपने दित्ती सी, फरमांदे सन ईबी शहजादी है दे वास्ते शहजादा होना चाहिदा है। लोगों ने कहा जनाब तुहाडा बेटा भी, फरमाया असी ते गुलाम आ शहजादा ते हुसैन आईए ना। उस इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी गल सुनो मेरे दोस्तों, करबला दी सरजमीन तो बाद मारका पेश आण तो बाद ए शाम तो एक बंदा दौड़द्या दौड़द्या गया मदीनातुल मुनव्वरा दे अंदर गया, जिस वेले जाके दरवाजा खटखटाया इमाम ज़ैनुल आबिदीन दा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन लजपाल सन न लजपालां दी औलाद सन, इमाम अंबिया दे गुलामों दरवाजा खटखटाया, आपने पहचान लिया ए ओही मुजी है जड़ा पानी बंद करन वाला सी, जड़ा तीर मारन वाला सी, लेकिन आपने कोई बात ना कीती, मेरे दोस्तों घर दे अंदर बिठाया, तीन दिन तक रोटी दित्ती पानी दित्ता। इमाम अंबिया दे गुलामों
असि उन्होंने मनन वाले हाँ। तीन दिन तो बाद जिस वेले निकलन लगा ते कहन लगा इमाम लगदा तुसा मैनू सियाते नहीं पहचानिया नहीं, आप दी अखा चो आंसू आ गए। फरमाया ओए जिस दिहाड़े दरवाजे ते खलोता सी उसे दिहाड़े मैं तैनू पहचान लिया है। सवाल करदा है मैं ते तुहाडे ते पानी बंद कीता तुसा मैनू पानी भी दिता है रोटी भी दिती है इज्जत भी कीती है। फरमाया ओ जो कुछ तू करबला दे अंदर कीता सी तुहाडे वड्डियां दा किरदार सी, जो कुछ असा तेरे नाल कीता है साडे वड्डियां दी तरबीयत है। अली दे लाल ने लज पाल नसला तार दे देने, अली दे लाल ने लज पाल नसला तार दे दे। अल्लाह इस पाक जिक्र दे सदके भाई तैर दे वाले दे ग्रामी दी मगफरत फरमाए प्यार ना पड़ो। अली दे लाल ने लज पाल नसला तार दे देले करम दिया करके ओ नजरा ओ बख्त सवार दे देले। अले दे लाल ने लज पाल नसीला तार दे देले, अले दे लाल ने लज पाल सलामत रख।